हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम केनरा बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये वही सेविंग्स अकाउंट्स होता है जब आप केनरा बैंक के किसी भी ब्रांच में जाते हो अपना एक सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए, तो बेसिकली आप लोगों को यही सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करके दिया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इस सेविंग्स अकाउंट्स के सारे बेनिफिट्स, हिडन चार्जेस, इसके अलावा दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि केनरा बैंक कैसा बैंक है और क्या आप लोगों का पैसा केनरा बैंक में सुरक्षित होता है या फिर नहीं होता है। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि केनरा बैंक गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। दोस्तों अगर हम पैसे सुरक्षित होने की बात करें तो केनरा बैंक की नहीं बल्कि इंडिया में जितने भी बैंक हैं सभी के सभी बैंक DICGC से इंश्योर होते हैं। DICGC का पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि RBI की एक सब्सिडी वाली है, जिसके अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5,00,000 रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों अगर आप केनरा बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लेते हो और केनरा बैंक अपने लाइफ में कभी भी डूब जाता है तो ऐसे केसेस में आप लोग का 5,00,000 रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें जेन्युइनली सर्विसेज की, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये एक गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है, तो गवर्नमेंट बैंक के जितने भी कर्मचारी होते हैं सभी के सभी कर्मचारी 100% में से ओनली 25% कर्मचारी ऐसे होते हैं जो कि कस्टमर्स के साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, बहुत ही अच्छा काम करते हैं बैंक में। बाकी 75% कर्मचारी लापरवाह होते हैं दोस्तों, और ये रियलिटी है, गवर्नमेंट बैंक की सच्चाई है। आप कहीं पर भी कंप्लेंट करते हो कुछ भी फायदा नहीं होता है, ये सच्चाई है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों केनरा बैंक में आप लोगों को मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा केनरा बैंक सेविंग्स अकाउंट के ऊपर चेकबुक, पासबुक, ATM कार्ड ऑफर करता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करें तो दोस्तों यहाँ पर आप 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। हालांकि जब आप 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो वो अकाउंट पूरी तरह से माइनर के कैटेगरी में होता है और उसको पेरेंट्स मेंटेन करते हैं। हालांकि केनरा बैंक माइनर को भी ATM कार्ड इश्यू करता है। दोस्तों अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसके अलावा पासपोर्ट, आप कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स दे करके अपना सेविंग्स अकाउंट महज 10 मिनट के अंदर अंदर ओपन करवा सकते हैं। इसके साथ साथ आप ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हैं केनरा बैंक के वेबसाइट से। अब दोस्तों अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट की, तो यहाँ पर केनरा बैंक 2.90% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ऑफर करता है। और वहीं पर अगर आप 1 ईयर का FD ओपन करवाते हो तो ऐसे केसेस में केनरा बैंक आप लोगों को 6.85% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हो तो ऐसे केसेस में 7.35% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट केनरा बैंक ऑफर करता है। दोस्तों ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं जिस टाइम पर वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम का है, इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा होता रहता है, तो हो सकता है जब आप लोग वीडियोस देख रहे हो उस टाइम पर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया हो या फिर कम हो गया हो, तो हम यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते हैं। दोस्तों अगर हम मिनिमम बैलेंस को डिस्कस करें तो यहाँ पर आप लोगों को रूरल में 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1,000 रुपीज, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोगों को 2,000 रुपीज एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना होता है। आप ये मत समझ लीजिएगा कि यहाँ पर QAB यानी कि क्वार्टरली एवरेज बैलेंस हमको मेंटेन करना पड़ेगा, यहाँ पर आप लोग को एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे केसेस में ज्यादा से ज्यादा आप लोग को 45 रुपए प्लस GST मंथली चार्जेस देना होता है। वो डिपेंड करता है कि आपने कितना अपने अकाउंट में अमाउंट शॉर्टफॉल किया है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को चार्जेस देना होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम चेकबुक को डिस्कस करें तो यहाँ पर केनरा बैंक 25 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को पर लीफ यानी कि पर पेज का 4 रुपए प्लस GST चार्जेस देना होता है। बात करें दोस्तों अगर हम SMS अलर्ट की, तो यहाँ पर 0.22 पैसे आप लोगों को पर SMS चार्जेस देना होता है। तो दोस्तों इस बात को लेकर के आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या फिर डाउट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर हम कैश हैंडलिंग ट्रांजेक्शन की बात करें यानी कि कैश डिपॉजिट की, तो यहाँ पर आप चाहे तो अपने होम ब्रांच से डिपॉजिट करो
या फिर नॉन होम ब्रांच से डिपॉजिट करो, आप मंथली 3 बार ही कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। अगर आप इसके ऊपर करते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना होगा और मिनिमम आप लोगों को 50 रुपये प्लस GST, मैक्सिमम 5000 रुपये प्लस GST आप लोगों को चार्जेस देना होगा। इस बात को लेकर के आपके मन में कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर हम कैश विड्रावल की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को पर मंथ 5 कैश विड्रावल बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि आप 5 बार पैसे निकाल सकते हो केनरा बैंक के ब्रांच से या फिर अपने नॉन ब्रांच से। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसके ऊपर निकालते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को पर ट्रांजेक्शन 100 रुपये प्लस GST चार्जेस देना होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। दोस्तों अगर हम डेबिट कार्ड को डिस्कस करें तो यहाँ पर केनरा बैंक क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करता है, जो कि रुपए में हो सकता है, वीजा में भी हो सकता है, मास्टर में भी हो सकता है। दोस्तों अगर हम इस डेबिट कार्ड के एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को इस डेबिट कार्ड पर 200 रुपये प्लस GST चार्जेस देना होता है, जो कि हर साल आपके अकाउंट से काट दिया जाता है। इस डेबिट कार्ड पर आप लोगों को इश्यूएंस चार्जेस नहीं देना होता है, बैंक आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है। ऑनवार्ड यानी कि सेकंड ईयर से आपको चार्जेस ये 200 रुपये प्लस GST देना होता है, जो कि हर साल आपके अकाउंट से काट दिया जाता है। दोस्तों अगर हम लिमिट को डिस्कस करें तो आप इस डेबिट कार्ड से 75,000 रुपये पर डे निकाल सकते हैं और 2,00,000 रुपये तक आप ऑनलाइन यानी कि ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर काफी सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि सर ये प्लेटिनम डेबिट कार्ड है, तो ये प्लेटिनम डेबिट कार्ड नहीं है। दोस्तों मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, क्लासिक डेबिट कार्ड पर इतना लिमिट है केनरा बैंक के क्लासिक डेबिट कार्ड पर। आप चाहे तो वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं, क्लासिक डेबिट कार्ड पर इतना लिमिट दिया गया है। मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी लगा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करें तो आप इनका ATM कार्ड ले जा करके अगर आप इनके ओन ATM से पैसे निकालते हैं और आप जनरल कस्टमर्स हैं तो आप 6 बार मंथली पैसे निकाल सकते हैं। वहीं पर सीनियर सिटीजन 8 बार पैसे निकाल सकते हैं और अगर ये केनरा बैंक के स्टाफ हैं तो 10 बार पैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसके ऊपर निकालते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को फाइनेंशियल में 20 रुपीज प्लस GST पर ट्रांजेक्शन देना होगा और अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं तब ऐसे केसेस में 5 रुपए प्लस GST आपको पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होगा। वहीं पर दोस्तों अगर हम दूसरे बैंक की बात करें तो इनका ATM कार्ड ले जाकर के अगर दूसरे बैंक के ATM से पैसे निकालते हैं तो ऐसे केसेस में नॉन मेट्रो सिटीज में आप 5 बार ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और मेट्रो सिटी में आप 3 बार पैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तब ऐसे केसेस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर 21 रुपीज प्लस GST आप लोगों को पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होगा और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर आप लोगों को 10 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होगा। अब दोस्तों यहां पर हमने डिस्कस किया केनरा बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स को। अब अगर आप मेरी खुद की ओपिनियन मांगोगे कि सर आप क्या बोलते हो, मुझे इस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए, तो मैं यहाँ पर दोस्तों कहूंगा कि इतना खराब भी नहीं है केनरा बैंक, क्योंकि मिनिमम बैलेंस चार्जेस ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को 45 रुपए देना पड़ रहा है। तो चाहे तो मेट्रो सिटी हो, अर्बन हो, कहीं पर भी कोई भी सेविंग्स अकाउंट हो, आपको ज्यादा से ज्यादा 45 रुपए प्लस GST देना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप 500 रुपए, 1000 रुपीज, 2000 रुपीज मेंटेन कर लेते हो तो आपको इतना चार्जेस देना ही नहीं पड़ेगा। 200 रुपए आप लोगों को डेबिट कार्ड के ऊपर चार्जेस देना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर लिमिट जो अदर बैंक के प्लेटिनम डेबिट कार्ड पर आपको मिलता है वो यहाँ पर क्लासिक डेबिट कार्ड पर आप लोगों को ये लिमिट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी काफी अच्छा है केनरा बैंक का। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अगर आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो ये भी एक बेहतरीन बैंक है, इसमें भी आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो, चूज कर सकते हो। वैसे आपकी मर्जी आप किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो, मैंने अपना खुद का ओपिनियन बताया है, खुद का एक्सपीरियंस बताया है, जो कि ये सर्विस चार्जेस में इनके दिख रहा है, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपसे बात कर रहा हूँ। दोस्तों ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस बनाया गया है। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।